क्या बात है, ये समा समा ही है प्यार का, दिल ना चुरा ले कहीं मौसम बहार का। हकीकत में ये मौसम ही कुछ ऐसा है, सावन का महीना मानो चल रहा हो, रिम जिम बरसात धीरे 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 मौसम को और भी ज्यादा रोमांटिक बना रहा हो। और ऐसे में हम जिसे चाहते हो, जिसके साथ जिंदगी निकालने की कस्में खाई हो, बार बार उसकी याद आ रही हो, तब क्या कहे। और तब शायद कोई दीवाना कहता है कि रह रहकर आपकी याद आए तो क्या करूं, कि रह रहकर आपकी याद आए तो क्या करूं, याद दिल से न जाए तो क्या करूं, सोचा था ख्वाबों में होगी मुलाकात पर कमबख्त नींद ही ना आए तो क्या करूं। नींद तो नहीं आती, लेकिन जिसके इंतजार में हम तड़प रहे होते हैं वो अगर सामने आ जाए तो कैसा, और उसके आने के बाद जो बहार आती है हमारे जिंदगी में, बस ऐसा ही खूबसूरत सा नगमा लेकर आ रहे हैं आपके लिए द वन एंड ओनली आशीष डी। आ
बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए पहाड़, जाने से उसके जाए पहाड़, बड़ी मस्तानी बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। कैसे हम किसी को पहचानते भी नहीं होते हैं और अचानक से वो हमारी जिंदगानी बन जाते हैं, जिसके बगैर हम एक पल भी रह नहीं सकते। कैसे होता है ये? बहुत सारे कवियों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारे शायरों ने भी बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा। ये इश्क जब हो जाता है, ये प्यार जब तह दिल से हो जाता है, दिल की गहराई से हो जाता है, तब कोई हमारे लिए हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारा बन जाता है। और शायद इसीलिए हिंदुस्तान का कोई शायर कहता है कि खुशरो दरिया प्रेम का उल्टी जिसकी धार, कि खुशरो दरिया प्रेम का उल्टी जिसकी धार, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। इसी तरह इश्क के समंदर में पार लगने के लिए बहुत कम लोग होते हैं जिनके नसीब में प्यार होता है, और शायद ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा लेकर आ रहे हैं आपके लिए शीतल डीके। प्लीज शीतल जी।
फिर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में, फिर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में, खुश नसीब जीते हैं शान।
जीते हैं शान से और मरते भी हैं तो शान से। ये सिर्फ वही कर सकते हैं जो तहे दिल से प्यार करते हैं, रूह से रूह का जिनका रिश्ता हो जाता है। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसे भी मोड़ आ जाते हैं कि अचानक से हम जिसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं, कहीं वो हमसे रूठ जाए तो। और जब रूठ जाता है तब दिल के साथ साथ यूं लगता है कि ये सारा संसार हमारे लिए खत्म हो गया, सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर सा गया है। और ऐसे में मानो कि बहुत तेज बरसात हो रही हो। उस बरसात में आपकी मुस्कुराहट के पीछे के दर्द को शायद कोई समझ सकता है, लेकिन बरसात के बूंदों में अगर आप रोते हो और उन बूंदों के साथ आपके आंसुओं को जो पहचान ले, बस वही आपका सच्चा साथी होता है। और शायद इसीलिए इसी बात को जानकर कोई शायर कहता है कि प्यार करने वाले आंखों की बात समझ लेते हैं, कि प्यार करने वाले आंखों की बात समझ लेते हैं, रोता तो आसमान भी है प्यार के लिए, लेकिन लोग उसे बरसात समझ लेते हैं। एक ऐसा ही खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, प्लीज एंजॉय। Thank you.
मेरा गूंजा सा है कोई एक तरह 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 धीमे बोले कोई एक तरह धीमे बोले कोई एक तरह गूंजा सा है कोई एक तरह गूंजा सा है कोई एक तरह वेक अप सिद्ध इस मूवी से ये खूबसूरत सा नगमा आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि सॉन्ग का जो सिलेक्शन है वो हज़ारों गीतों में से चुन चुन कर एक एक छोटी छोटी पत्तियों के जैसे खूबसूरत फूल बनाकर एक गुलदस्ता बनाया है आपके लिए एक बार फिर से एस्टार्क ग्रुप प्रेजेंस ई बॉलीवुड इवनिंग विथ संगीतम इवेंट्स शिरीष शाह जिनेश शाह और साथी कलाकारों के साथ अब सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं बैक टू बैक बहुत सारे नगमे हैं लेकिन अब जो गीत यहाँ से प्रेजेंट होने वाला है वो उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है जैसे यहाँ से ये गीत शुरू होगा गाना शुरू होगा वैसे ही मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि आपकी लिपसिंग चालू हो जाएगी 1960 में आई हुई एक मूवी दिल अपना और प्रीत पराई इस गीत को गाया है लता जी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में सिचुएशन भी कुछ इस तरह की है कि दो साथी हैं साथ में भी हैं और अलग अलग जुदा जुदा भी नाव में सवार हैं मध्यम मध्यम रात धीरे 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 गहरी होते जा रही है और उतना ही खूबसूरत चांद सामने आते जा रहा है आई होप आप समझ गए होंगे कि गाना कौन सा है मैं उस गाने के बोल तो नहीं बताऊंगा मैं रिक्वेस्ट करूंगा तृप्ति जी आप तैयार हैं प्लीज एंजॉय
बात है, अजीब दास्ता है ये। कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी एक राह है जिस पर यूं लगता है कि बस चलते जाए चलते जाए। और उस राह पर चलने का मज़ा तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब कोई हम सफ़र हमारा साथी हमारे साथ हो। एक ऐसा हम सफ़र, एक ऐसा साथी जिससे हमें और कोई उम्मीद नहीं होती, सिर्फ एक ही उम्मीद होती है, प्यार की। एक ही उम्मीद होती है ज़िंदगी भर साथ निभाने की। और शायद इसीलिए आज के दौर के जो गीतकार हैं, जो संगीतकार हैं या जो सिंगर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा गाया है। और किस तरह से गाया है कुछ अलग अंदाज में, प्लीज़ एंजॉय। साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलनी जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जब मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिल पर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सितियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा, छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ओ दिन सारा गुजरा तोरी हंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना। ओ दिन सारा गुजरा तोरी हंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना। जाना महफिल से कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मेरे यार शब्बक है, मेरे यार शब्बक है, ओ मेरे यार शब्बक है, मेरे यार शब्बक है। रहने
तो निगाहों में मस्ती, ओ बसाली मैंने खाबों की बस्ती। मेरे यार शबक है, मेरे यार शबक है, ओ मेरे यार शबक है, मेरे यार शबक है। बात है एक्चुअली, आप लोग वहां पर हमें लाइव देख रहे हैं और देखते देखते आप एंजॉय कर रहे हो, और एंजॉय करते करते जब आप तालियां बजाते हैं वो आवाज आए या ना आए पर वो फील आता है, पता चलता है कि आप गीत संगीत को कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं। सो बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इसी तरह से देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर्स में शेयर करते रहिएगा जो लिंक आपके पास है वो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक और गुजारिश है कि काफ़ी सारी फरमाइश हमें ऑनलाइन आ रही हैं, काफ़ी सारी फरमाइश जो है वो मैसेज के थ्रू भी आ रही हैं। सो हम कोशिश करेंगे आपकी हर एक फरमाइश को पूरी करने की, क्योंकि गाने इतने सारे हैं हम खुद सोच में पड़ जाते हैं कि फर्स्ट कौन सा लें, सेकेंड कौन सा लें, थर्ड। बट समय है, उसका तकाजा है, उसके अंदाज से हमें आगे बढ़ना है। वैसे तो बहुत सारी फरमाइशें ऑलरेडी आ चुकी हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपकी सभी फरमाइशों को पूरी करने की। फिलहाल आज के दौर का, अब का बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सा सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, क्योंकि बरसात का मौसम है। ऐसे में हम पर कुछ बरसे या ना बरसे, लेकिन एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि कुछ और तो बरसाना या मत बरसाना, बस थोड़ी सी मोहब्बत बरसा देना। चलिए सुनते हैं। मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे सही जाए ना। क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं। कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में, कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे। मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है। वो सब कुछ छोड़ के आना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार
में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया, बेशुमार आया है आज पे तुम पे प्यार आया है, आज पे तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ हर शाम की, तू खामखा तू लाजमी, तू ही रजा तू ही कमी, और तू ही वो फिराक है जिसको सिलसिलों ने मेरे पास लाया है, होठों पे तेरे इजहार आया है, होठों पे तेरे इजहार आया है, बेहद और बेशुमार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ, मंजिले है मेरी तो सब यहाँ, मिटा दे सभी आजा फासले, मैं चाहूँ मुझे मुझसे बांट ले, जरा सा मुझ में तो जाग ले, मैं हूँ क्या भरगे लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथियां, सुपर कमेंट्स, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, और उसके लिए हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ फरमाइश है जो कोशिश, जैसे हमने पहले भी कहा था कि कोशिश करेंगे उन फरमाइशों को पूरी करने की, लेकिन फ़िलहाल मुझे एक वाक़या याद आ गया, मेरे ख्याल से कुछ लॉकडाउन के पहले की बात है। मेरा एक दोस्त है जिसकी शादी नहीं हो रही थी, कहीं बात नहीं बन रही थी, अचानक से एक लड़की उसकी ज़िंदगी में आ गई, उसे प्यार हो गया, प्यार इजहार में बदल गया और बात शादी तक पहुंच गई।
चैत्र के नवरात्रे जैसा कुछ चल रहा था, अप्रैल का महीना। और ऐसे में वो दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया। तृप्ति जी मुझसे कहने लगा कि करण मैं आज बहुत खुश हूँ। तो मैंने कहा क्यों? तब वो कहने लगा कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। मैंने कहा अरे वाह यार, जाओ शादी वादी करके आओ, हम शाम को पार्टी वगैरह करेंगे। लेकिन शाम को जब मिला तो उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ? कहा यार हमने मंदिर में शादी करने का प्लान बनाया था लेकिन प्लान कुछ सक्सेस नहीं हुआ। मैंने पूछा क्यों? तब शायराना अंदाज में वो बेचारा कहने लगा कि रुमझुम करती आई और रुमझुम करती चली गई। आशीष भाई, हम जैसे लोगों का जब दिल टूटता है ना, आंखों से आंसू नहीं रुकते। कि रुमझुम करती आई और रुमझुम करती चली गई, मैं वरमाला लेकर खड़ा था, कंबगत राखी बांध कर चली गई। ये कुछ हंसी मजाक की बातें हैं, यूं ही ये सिलसिला जारी रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल एक ऐसा सॉन्ग जो यहाँ से स्टार्ट होने के साथ ही आप भी डेफिनेटली गुनगुनाएंगे, चलिए साथ में गुनगुनाते हैं। तू धारी है नदियाँ की,
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये शायद एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए, बट हम कलाकार, हमें लगता है कि ये जो कुछ भी यहाँ से हम गा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सिर्फ आप जैसी ऑडियंस के लिए है, प्यारी प्यारी ऑडियंस के लिए। क्योंकि अगर आप लोग ही ना हो तो ये ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती। कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना, ऐसी बात हो जाती। खैर, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे एक परम मित्र हैं विनोद पाठक जी, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, वेरी नाइस ह्यूमन बींग। हमने एक दिन उनसे प्रश्न पूछ लिया, सवाल पूछ लिया कि पाठक जी बताइए, शादी से पहले होने वाली बीवी कैसे लगती है और शादी के बाद क्या फ़र्क आ जाता है और हमारी ज़िंदगी कैसे होती है। शायराना अंदाज में हमारे पाठक साहब क्या कहते हैं कि शादी से पहले बीवियाँ आती है हीर की तरह, शादी से पहले बीवी जो है वो आती है हीर की तरह, फिर उसके बाद लगती है खीर की तरह, शादी के बाद चुभती है तीर की तरह, और शादी के 5 साल बाद हालत कर देती है फकीर की तरह। ये शायद विनोद जी का अपना, जो पाठक साहब है हमारे, उनका अपना अनुभव हो सकता है, लेकिन क्या करें, बेचारे शादीशुदा मर्द रो भी तो नहीं सकते। खैर, ये रोने की बात बाद में करेंगे, फिलहाल तो हंसने और मुस्कुराने की बातें हैं, कुछ गुनगुनाने की बातें हैं, एक और प्यार भरा नगमा। बहुत सारे मैसेजेस हमने पढ़े यूट्यूब पे, उसके अंदर कई सारे लोगों ने लिखा है ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, सो नाउ ओल्ड इज गोल्ड। एक बार फिर से एंजॉय, ये स्पेशली आपकी फरमाइश का सॉन्ग है, सो प्लीज एंजॉय कीजिए। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, नजरों के दिल से ये बात क्या है,
क्या है कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा ये राग क्या है कोई हमें बता दे। दिल की नजर से नजरों के दिल से ये बात क्या है ये राज क्या है कोई हमें बता दे। दिल की नजर से खूबसूरत शायरी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि चांद से प्यारी चांदनी और चांदनी से प्यारी रात के चांद से प्यारी चांदनी चांदनी से प्यारी रात रात से प्यारी जिंदगी जिंदगी से प्यारे आप। बहुत खूबसूरत सा एक नगमा, जब कभी भी सुनो लगता है कि साथ साथ गुनगुना दो। तो चलिए सुनते हैं वो खूबसूरत सा नगमा। चांदनी में तुम मिले तो वीराने में भी आ जा
आजा सनम मधुर चांदनी में हम, कितना अच्छा लगता है। सर्द रात का वक्त हो, धीमी 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 मध्यम सी चांदनी आसमां पर छा रही हो और एक लाइफ पार्टनर हमारे साथ हो, तो हकीकत में यूं लगता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है। बस ये लम्हे जो है वो खत्म ही ना होने पाए। हम तो पता नहीं कितनी बार अपने लाइफ पार्टनर, अपने जीवन साथी के हाथ को हाथ में लेकर थाम कर ऊपर वाले से यही दुआ मांगते हैं कि ये लम्हे कभी खत्म ही ना हो, पर अफसोस उन लम्हों के साथ जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाती है और पता ही नहीं चलता है हम कब जिंदगी के आखिरी मोड़ तक आ जाते हैं। खैर वहां तक तो नहीं जाते, लेकिन फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है, फिल्म का नाम यादों की बारात। जैसे मैंने नाम लिया फिल्म का, वैसे आपको अंदाज तो आ गया होगा कि वो गीत कौन सा होगा। गिटार के साथ एक हीरोइन है जो डांस करती है और डांस करते करते गाना गाती है, और गाना कौन सा है पता है आपको? सुन लीजिए यार, एंजॉय। कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा चुरा लिया है तुम।
चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। कैसे कोई नजर चुरा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। एक बहुत अच्छी सी मूवी है जिसकी अचानक से याद आ गई, जैसे फरमाइश की भी बात थी। जहां तक मेरा नॉलेज है, उस मूवी में पहली बार अनिल कपूर जी ने अपनी मूछें नहीं रखी थी। शायद आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी मूवी है जिसमें अनिल कपूर साहब ने मूछें नहीं रखी। श्रीदेवी का डबल रोल था, पहले तो उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसकी बेटी बनकर वापस एक और श्रीदेवी। कुछ याद आ रहा है? इला अरुण जी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गाया हुआ एक गाना। लेकिन फिलहाल हमारे पास यहाँ पर जो सिंगर है वो खुद ही वर्सेटाइल है। एक ही सिंगर अलग अलग दो आवाज़ में एक गाना लेकर आ रही है। राजस्थान की मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, एंजॉय कीजिए।
जोरदार तालियां है यार, मजा आ गया। इधर इधर लगा, सीधा खंजर लग गया है। थैंक यू सो मच जो आप व्यूज कर रहे हैं, जो आप लाइक और कमेंट कर रहे हैं उसके लिए। वाकई में काबिले तारीफ, आपकी जितनी काबिले तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो शब्द देकर गए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड नाउ आगे बढ़ते हैं। 1968 की एक मूवी, फिल्म का नाम किस्मत, आशा भोसले जी आप सबको पता है। साथ ही साथ एक और फीमेल सिंगर जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ दी और जिसे सुनो तो लगता है कि बस सुनते जाओ, नाम बता दूं, शमशाद बेगम जी। बहुत ही खूबसूरत सी मूवी किस्मत, हाँ, जिसके अंदर लीड रोल में थे विश्वजीत जी, बबीता जी, हेलन जी और कमाल मेहरा एंड मुराद। लेकिन फिल्म का ये जो गाना है, सुनोगे तो अपने आप झूम उठोगे। तो चलिए झूमने के लिए तैयार हो जाइए, हम भी तैयार हैं वो गाना लेकर। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरन ले ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, उसके दिमाग
क्या बात क्या बात क्या बात। कभी कभी मिथुनदा आ जाते हैं अंदर, कभी कभी खामोश भी आ जाते हैं, कभी कभी ये धरती मेरी माँ है। हाँ, हमारे पाठक साहब याद आ गए हमें। पाठक साहब शक्ति कपूर के बहुत बड़े फैन हैं, विनोद पाठक। आओ, हमेशा करते रहते हैं, जब कभी भी मिलेंगे यही करेंगे। खैर, अब जो भी लोग देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं और ये विश्वास यहाँ से जताते हुए आगे बढ़ते हैं कि डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी कमेंट्स हमें मिल रही हैं और बहुत सारी फरमाइशें थी जिसमें से हमने कोशिश की वो फरमाइश पूरी करने की। एक और फरमाइशी गीत आपके लिए, आपकी पसंद का, प्लीज़ एंजॉय कीजिए। ठहरो मेरी जान, वादा करो नहीं छोड़ो कि तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छू नहीं देखो जरा पीछे रखो, जब तुम हो जब मैं भी हूँ। छू नहीं देखो जरा पीछे रखो, हाँ जब तुम हो जब मैं भी हूँ। मेरी जान हंस के मुझे ये कह दो, भीगे लबों की नरमी मेरे लिए है। ओ जवान नजर की मस्ती मेरे लिए है, हंसी अदा की शोखी मेरे लिए है। मेरे लिए लेके आई हो ये सौगात, जहाँ तुम हो वहाँ मैं। कैसा लगा? डेफिनेटली मजा आया रहेगा। बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो श्रीवास्तव साहब के फैन होंगे,
पता है श्रीवास्तव साहब कौन, जिन्हें हम सब बच्चन साहब के नाम से जानते हैं। सो रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए करने के लिए, क्योंकि बैक टू बैक जो गाने यहाँ से प्रेजेंट होने वाले हैं डेफिनेटली फुल ऑन धमाल के साथ, फुल एनर्जी के साथ, जोश से भरे हुए हैं आपको नचाने के लिए। अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो मोबाइल लेकर खड़े हो जाइए हमारे जैसे यूं। अच्छा भाई खड़े हो जाओ जरा, दिखाओ एक बार। हाँ ये है, बस एंजॉय। ग्रेट, सो एस्टेक ग्रुप आपने बहुत ही अच्छे से सुने सारे गाने, हमको कमेंट्स भी मिल रहे हैं एंड दे आर फैंटास्टिक। तो थोड़ा सा आप जहाँ पे भी है थोड़ा झूमिए गाइए, और एकदम बहुत ही बढ़िया आर डी बर्मन साहब की कंपोजिशंस है और आपके लिए खास। हे जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने, लंबे हैं मेरे हाथ इतने, देख इधर यार ध्यान किधर है, और देख इधर यार ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है।
थैंक यू सो मच। मैं तो थक गया हो इतना नाच के। कैसा लगा? जो लोग जो हमारे गीत संगीत को चाहने वाले दोस्त हैं, जो YouTube पर देख रहे हैं, प्लीज कमेंट में डेफिनेटली लिखिएगा कि कैसा लगा ये जो दौर था, ये जो मस्ती। बस जिंदगी में यही चाहिए होता है। इसी के लिए हम पता नहीं कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितनी ज़्यादा भागा दौड़ी करते हैं, बट एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं दिल में ये होता है कि कुछ ज़िंदगी में ऐसा तड़का चाहिए। सो वही तड़का आपके लिए लेकर आए हैं संगीतम इवेंट्स, शिरीषा, जिनिशा और उनकी पूरी टीम की तरफ से। एंजॉय कीजिए। बैक टू बैक बहुत सारे नगमे हैं। जैसा हमने फरमाइश की बात की तो इतनी सारी फरमाइश आने लग गई कि हम वाकई में कन्फ्यूज़ हो गए कौन सा सॉन्ग आपको सुनाएं और कौन सा उस लिस्ट में से बाहर रखें। कुछ समझ नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि वो सारे नगमे आपके दिल तक पहुँचाएँ। फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आप सुनेंगे तो डेफिनेटली मज़ा आएगा। प्लीज़ एंजॉय कीजिए हमारे साथ। किस्मत की लकीरों से चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी है मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब हो, चुराया है मैंने किस्मत की लकीर। बड़े नसीबों
वाकई में मज़ा आ गया जब इतना खूबसूरत कोई साथी हो तो नज़र मिलाने में मज़ा तो आएगा ही, बट ऑब्वियस है। यहाँ पर जितने भी हमारे दोस्त जो गीत संगीत को चाहने वाले हैं, जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बात, खास करके उनके लिए जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो जेंटलमैन होते हैं वो सवेरे निकल जाते हैं ऑफिस के लिए या आउटिंग के लिए, ऑफिस के काम से कहीं ना कहीं सारा दिन हम बिजी रहते हैं। उस वक्त हमारे घर को कौन संभालता है? एक हमारी लाइफ पार्टनर होती है, सारी बातों को भुलाकर सिर्फ घर परिवार के बीच में रह जाती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़। अब यहाँ से जो गाना प्रेजेंट होने जा रहा है, ये गाना आप जितने भी जेंटलमैन सुन रहे हैं अपनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाइफ को आपको डेडिकेट करना है। सुनते सुनते अगर हो सकता है तो किसी टेबल पर, टिपॉय पर, कहीं पर किसी ऐसी जगह पर आपको इस मोबाइल को रख देना है जहां पर ये गाना चल रहा है, और साथ ही साथ आपको अपनी प्यारी प्यारी वाइफ को ये गाना डेडिकेट करना है। ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी तारीफ तो कर सकते हैं उनके लिए जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हमें दे दी, हमारे नाम कर दिए। ये गाना स्पेशली उनके लिए, प्लीज़ एंजॉय। चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल हो। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही
जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। जो पत्थर छूने गोरी तू वो हीरा बन जाए। तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला मान। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल हो। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। थैंक यू सो मच। ये शुक्रिया उनके लिए जिन्होंने ये फरमाइश की थी, और डेफिनेटली हम ये उम्मीद भी रखते हैं और ये यकीन भी रखते हैं कि ये सॉन्ग, ये गज़ल आपने अपनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाइफ को डेडिकेट की होगी। थैंक यू सो मच आपकी इस फरमाइश के लिए। एंड नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रुख कुछ हमारे मादरे वतन की तरफ करते हैं, भारतवर्ष, आर्यों की भूमि जिसे कहा गया है। सदियों से पता नहीं इस धरती ने कितना कुछ देखा है, कितना कुछ झेला है, और हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं कि इस जमीन पर हमारा जन्म हुआ। हम कौन से जात के हैं, कौन से धर्म के हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। बस सबसे अच्छी बात यह है कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद बाकी सब। सो ये गाना आप सबकी रूह को, आपके दिल को डेडिकेट करते हैं। प्लीज एंजॉय कीजिए। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पान सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रहे तेरी आंख खड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कैसे कर्ज चुका पाएंगे इस मिट्टी का, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। लाख कोशिश कर लें कि मादरे वतन का कर्ज जो है वो थोड़ा भी चुका पाए, इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना अगर हम हमारे जो हमसे कमज़ोर भाई बहन जो होते हैं, हमारे साथी संगाती होते हैं, उनकी अगर मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं हम देश सेवा ही कर रहे हैं। इस वक्त COVID-19 का ये जो दौर चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको एक वक्त का निवाला भी नहीं नसीब हो रहा। हो सके तो थोड़ा सा कर देना, कहीं इसी वजह से ऊपर वाले के दरबार में हमारा नाम ऐड हो जाए, कुछ खुशियां उनकी दुआ से हमारे घर आ जाए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर एक रुख करते हैं आगे की तरफ। 13th century 13वीं शताब्दी में एक सूफी संत हो गए, अमीर खुसरो जिनका नाम। सूफी संत जो होते हैं वो ऊपर वाले की बंदगी में मस्त रहते हैं, जिसे मस्त मौला भी हम कहते हैं, जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ ऊपर वाले का नाम लेते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, उसकी बंदगी करते रहते हैं, और बंदगी करते करते पता नहीं चलता है कब वो इस फानी दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे ही अमीर खुसरो जिन्होंने 13वीं शताब्दी में पाकिस्तान सिंध प्रांत में लाल बादशाह, जिसे झूले लाल के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं, उनके लिए एक सूफी गीत तैयार किया,
18वीं शताब्दी में उस गीत को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने के बाद, कुछ तब्दीलियों के बाद प्रेजेंट किया गया, और आज भी वो गीत उतना ही ज़्यादा पॉपुलर है, उतना ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। सो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं उस गीत की तरफ, दरिया लाल को याद करते हैं। Thank you.
झूले लाल की जय। हो लाल मेरी पत रखियो सदा झूले लाल। पाकिस्तान का सिंध प्रांत जहाँ के देवता झूले लाल जी, बहुत सारे कच्छी लोहानाज सिंधी हमारे जो भाई हैं वो लोग उनको कुल देवता की तरह पूजते हैं मानते हैं। सो बहुत कुछ है गीत संगीत में, इतना अखूट खजाना है, एक समंदर है, जितने गहराई में आप उतरते जाओगे उतना मज़ा आता जाएगा, ये मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और आपको पता है मज़ा कब बढ़ता है? जब हमारा कोई दोस्त हमारे साथ होता है, क्योंकि अपने दिल की बात हम शायद फैमिली के किसी मेंबर के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक दोस्त एक राजदार होता है जिसे हमारी सारी अच्छी और बुरी बातें सब पता होती हैं। और दोस्त भी हमें ऐसा करना चाहिए, कुछ सूफी संत कह गए हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, कि मित्र ऐसा कीजिए जो ढाल सरीखा होए। पहले के वक्त में जैसे जो युद्ध होते थे तो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल हुआ करती थी, लेकिन जब युद्ध नहीं होते थे तो वही राजे रजवाड़े जो है ढाल को पीछे रखते थे बांधकर और म्यान में तलवार कमर पर, कि मित्र ऐसा कीजिए जो ढाल सरीखा होए, मित्र ऐसा कीजिए जो ढाल सरीखा होए, सुख में पीछे रहे दुख में आगे होए। जब दुख है ना तब दोस्त अपने आप आगे आ जाते हैं कि यार छोड़, पहले इस दुख को मैं निपटूंगा उसके बाद ये दुख तेरे पास आएगा। ऐसे दोस्त होने चाहिए। और ऐसे दोस्तों के लिए बहुत सारे नगमे हैं, उन बहुत सारे गीतों में से कुछ गीत हम चुनकर लेकर आए आपके लिए, आप जैसे दोस्तों के लिए। एंजॉय। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। तेरा साथ ना छोड़ेंगे,
है, मरना जीना साथ है, अरे खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ना साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, चश्मे बद का शिकार यार नजर आता है, छुपाना हमसे जरा हाले दिल बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, क्या बात है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, दोस्तों से मिलो, कोई खुशी के लम्हे हैं दोस्तों से मिलो, कहीं गम का दरिया है डूब जाते हैं तब दोस्तों से मिलो, कहीं ना कहीं दोस्त जो होते हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर्स से सबसे ज़्यादा ऊपर एक नंबर पर आते हैं। कुछ भी अगर दिल की बात शेयर करनी है तो दोस्तों के साथ कर सकते हैं, और ऐसे ही दोस्तों के लिए शायद ऐसे खूबसूरत नगमे या कवालियाँ बनी हैं जो हमने डेडिकेट की, ये यहाँ से डेडिकेट की आप सभी को। और ऐसे दोस्तों के लिए कोई शायर कहता है कि हम जीते हर बाजी तभी मशहूर हो गए, कि हम जीते हर बाजी तभी मशहूर हो गए, आपकी हंसी में हंसे तो आंसू दूर हो गए, बस आप जैसे दोस्तों की बदौलत, बस आप जैसे दोस्तों की बदौलत हम अब तक कांच थे अब कोहिनूर हो गए। कांच को भी जो कोहिनूर बना देते हैं वो दोस्त होते हैं, ऐसे दोस्तों के लिए ये यहाँ से सॉन्ग्स डेडिकेट किए थे। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कुछ तड़कते भड़कते नगमों के साथ, ओल्डी गोल्डी के साथ फिर एक बार फुल ऑन धमाल कर लें। चलिए thank you.
गम बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम 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 थैंक यू सुपर फुल एनर्जी के साथ आपके दिल को बहलाने की छोटी सी कोशिश और ये कोशिश डेफिनेटली हम जानते हैं इसमें हम कामयाबी रहे हैं. नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक और ऐसे ही धमाकेदार म्यूजिक के साथ फुल ऑन एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ आपको और रिचार्ज करने के लिए. आशीष भाई तैयार हैं? चलिए हियर वी गो. याद आ रहा है तेरा प्यार याद आ रहा है तेरा प्यार तरह सारे गम दिल के भुला के देके तुम्हें सारी खुशी मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं सब कुछ पाके मुझको मिली आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ
एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यमा 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 ये खूबसूरत समा, यमा 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 ये खूबसूरत समा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। हकीकत में कल पता नहीं हम कहाँ होंगे और आप सब अपने अपने काम में बिजी व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन फिलहाल जैसा कि बहुत सारी फरमाइश मैंने कहा था, एक फरमाइश आई है आप ही की तरफ से। 1970 की एक मूवी राज कपूर द शोमैन, शो मस्ट गो ऑन जो स्लोगन जिन्होंने दिया और जिनकी वजह से जितने भी दुनिया भर के कलाकार हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, उन्हीं की मूवी 1970 की मूवी मेरा नाम जोकर से एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ, चलिए सुनते हैं। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई को हसाने बह रूपिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहां। कल खेल में हम हो न हो, कर देश में तारे रहेंगे सदा। फूलों के तुम फूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, जिसके सिवा जाना कहाँ। जब हमको आवाज दो, हम हैं वही, हम थे जहां, अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहां। जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, इसके सिवा जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। कहां जाए यार आशीष, कहां जाना चाहिए
मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, घर कब आओगे? आशीष बोल रहे हैं कि घर जाना चाहिए. सो घर जाएंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि और कुछ नगमे हैं जो आप तक पहुंचाने हैं, आपके दिल तक पहुंचाने हैं. फ़िलहाल तो ये एक बहुत खूबसूरत सा नगमा जो ज़िंदगी से रूबरू कराता है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. यह हकीकत है, इस धरती को, हमारे आसपास के इस माहौल को, अपने सर्कल को, परिवार को छोड़कर हम कहाँ कैसे जा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो जाना ही है. फिलहाल हम हमारे घर चले जाएं, आप भी आगे बढ़ जाएं, मीठी मीठी नींद सो जाएं. उससे पहले कुछ नगमे सीधे लेकर आ रहे हैं आपके लिए, प्लीज़ सुनिएगा, एंजॉय कीजिए. थैंक यू. और एक बहुत ही रीजनल फरमाइश है और बहुत ही प्यारा सा गाना, लेकिन आज अभी तक जो आपने सुने हिंदी में गाने सुने, अब ये गुजराती तड़का लगाएंगे और बहुत ही रामलीला में भी ये गाना आ गया है. और जैसे ही ये गाने के बोल आएंगे सारे लोग झूमेंगे, इतना तो हमें यकीन है. ए एक कोटे मोर टहुकिया अने वादळ वादळ वरसे भी के मार मनडा नो मोर लो टहुकियो जोने आवी अषाढ़ी बी के मारा मनडा नु मोर लोट हुकियो हे जोने आवी जोने आवी जोने आवी अषाढ़ी बी घन घोर जरे चहुर मारू मा घन घोर जरे चहुर मारू मा एस्टेक ग्रुप आयु रेडी मारू मन मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट मारू मन मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे मारू मन मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट मारू मन मोर बनी थन गट करे कट गयो पथराई सारी बन राई मरे बोलो मेघ अषाढ़ी नो आज मारा मन मोर बनी थन गट करे
मोर बनी धन घट करे मन मोर बनी धन घट करे मोर बनी धन घट करे मन मोर बनी धन घट करे मन मोर जरे चहु और मारू मारू मन मोर बनी थनगाट करे। बहुत सारे नॉन गुजराती हमारे जो दोस्त हैं वो भी सुन रहे होंगे। मारू मन मतलब कि मेरा मन जो है मोर बनी थनगाट करे, मतलब मोर जिस तरह से कला करके नृत्य करता है उसी तरह से मेरा मन भी जो है जब बहुत तेज बरसात होती है, प्रियतमा आती है, तब उसे देखकर मेरा मन भी जो है वो मोर की तरह नाचने लगता है। एंड नाउ अब जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि बहुत सारे फ़ोन मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं कि चलो बुलावा आया है, सबको घर वालों ने बुलाया है। आखिरी जो नगमा है वो यहाँ से हम प्रेजेंट करते हैं और ये यहाँ से हम डेडिकेट करते हैं उन सभी ब्रेव सोल्जर्स को जो बॉर्डर पर करीब करीब दो दो तीन तीन फुट के बर्फ में खड़े रहकर हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं और जिनकी बदौलत हम अपने घर में ईद और दिवाली मना सकते हैं, होली में रंगों का त्यौहार मना सकते हैं, रातों को चैन की नींद सो सकते हैं। तो यहाँ से अब जो सॉन्ग प्रेजेंट होने जा रहे हैं वो हम तहे दिल से डेडिकेट करते हैं हमारे सभी सोल्जर भाइयों को, हमारे सभी नौजवानों को। धन्यवाद। तो पूरब और पश्चिम मूवी में जब भी प्राण ने पूछा था मनोज कुमार को कि तुम्हारे देश ने क्या दिया है, जी जी, और उसने कहा था कि तुम्हारे देश ने मतलब कि भारत ने तो हमें सिर्फ जीरो दिया है, जीरो। तो मनोज कुमार कहते हैं जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। और फिर मदनपुरी कहते हैं कि चुप क्यों हो गए और सुनाओ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मान
चुकी सारी दुनिया हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया मैं बात वही दोहराता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ मैं प्रीत यहाँ की रीत सदा धरती पे मैंने जन्म लिया हो उस धरती पे मैंने जन्म लिया ये सोच के मैं इतराता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ मैं प्रीत जहाँ की रीत सदा वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। जुदा हो जाए विदा हो जाए उससे पहले ऑल लोकेशन की एसोसिएट की तरफ से हॉनरेबल सीएमडी सर मिस्टर सलील सर समीर सर एंड एंटायर मुसाले फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका सपोर्ट ना होता तो हम इतना आगे इस तरह से नहीं बढ़ पाते और हमारे जितने भी गीत संगीत को चाहने वाले हैं उन्होंने हमें सुना एंजॉय किया। आप यूं ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ यहाँ से विदा होते हैं। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। धन्यवाद। थैंक यू।